हेलो फ्रेंड्स, वेविंग बटरफ्लाइज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ दो फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। तो ये दोनों सीड्स के फेस पैक है, तो आओ मैं दिखाती हूँ। एक है अलसी और एक है सब्जा सीड्स। ये सब्जा सीड्स पूरी काली होती है, तो ये मैंने बाजू में रखी है। और ये जो अलसी है, हमारे स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को रिड्यूस करती है, स्किन टाइटनिंग में बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ये भी हमारे स्किन सेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में भर भर के कैल्शियम तो है ही, और इसके सेवन, अलसी के सेवन से हमको ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में होता है। तो मैं इन दोनों के आपको फेस पैक बना करके दिखाऊंगी किस तरह से बनाती हूँ। सब्जा उसी तरह सब्जा सीड्स के भी अब कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, जो कि समर में तो बहुत ठंडक देता है और स्किन इन्फेक्शन को रोकता है। और रेडिएंट ग्लो के लिए सब्जा सीड्स बहुत अच्छी है। रेडिएंट ग्लो करने वाले सेल्स को रिड्यूस करता है ये। तो दोनों के अपने अपने गुण हैं। अगर मैं ये बताने जाऊँ तो मेरी वीडियो कम पड़ जाएगी। तो बेस्ट है आप इसको एक बार गूगल में दोनों के बेनिफिट्स चेक कर लीजिए। और चलो आओ हम बनाते हैं। मैं इन दोनों को पाउडर फॉर्म में लेकर आऊँगी, मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके। तो इसके बेनिफिट हमको पूरी तरह से मिलेंगे। आप इनको जेली फॉर्म में भी बना सकते हो, पर मुझे इस तरह से बनाना था तो मैंने इन दोनों का पाउडर बना लिया। आपको जितना चाहे उतना ही आप लो, बाकी का अगर एक्स्ट्रा पाउडर आपसे बन जाए तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक कर दो। जब आपको लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर से निकाल के। देखो इस तरह से मैंने इनको बारीक कर लिया है। तो देखो इस तरह की बॉटल में ये मेरे पास ज़्यादा हो गया था, तो मैं इसमें से आधा निकाल लूँगी और थोड़ा ही बना करके आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया, आप इसी तरह से रखना। और अगर इसका यूज़ हम ये फेस पैक के दोनों फेस पैक को का यूज़ हम 5-5 दिनों के लिए करते हैं तो हमारे स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हम पहले अलसी के बीजों से बनाया पाउडर का हम देखते हैं फेस पैक बना के। तो मैं सब में पहले ऐड करूँगी राइस फ्लोर। ये हमारी स्किन को वाइटनिंग टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, साथ में हाइड्रेट भी रखता है और हमारी स्किन सन डैमेज से हमको रिलीफ देता है हमारी स्किन को। साथ में मैं लूँगी कर्ड। कर्ड के कुछ अपने गुण हैं। ये अलसी में जो गुण है वैसे ही ज़रा गुण कर्ड में भी पाए जाते हैं। कर्ड हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चराइजिंग करता है, साथ में जो रिंकल सर्कल्स जो होते हैं सर्कल रिंकल्स जो होते हैं उनको टाइटनिंग कर देता है। और हमारे डार्क सर्कल को थोड़ा सा लाइट कलर में लाता है। तो अब मैं इसमें विटामिन ई ऐड करूंगी, जो है ऑलिव ऑयल। अब मैं इनका अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इन तीनों चारों चीज़ों को। और अगर मुझे ये टाइट लगता है तो मैं इसमें ऐड करूंगी रोज़ वाटर। और ये पेस्ट को मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अपनी अपनी प्रॉपर्टी एक्टिव कर दे। तो अपने अपने गुण एक्टिव कर दे। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स करके छोड़ दूंगी 10 मिनट और फिर हमारे स्किन को मैं फेस पैक की तरह लगाऊंगी। मैं इसको पहले तो एज ए फेस पैक लगाऊंगी, बाद में इसको स्क्रब की तरह निकालते वक्त स्क्रब की तरह रफ हल्के हाथों से रफ करके निकालूंगी। तो ये बहुत अच्छा स्क्रब भी मुझे मिल जाएगा। तो देखो ये बहुत अच्छी तरह से लग जाता है स्किन पर। हम स्किन पर लगाने के बाद 20 से 25 मिनट इसको छोड़ देंगे, ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा।
लग भी बहुत अच्छी तरह से होता है, और इसको उतारने पर ये बहुत स्किन को स्मूथ बना देता है, क्लीन और स्मूथ। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं स्किन पर लगाने के। तो ये देखो अब ऐसे सूखते जाएगा, और फिर उसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से रगड़ के हम धो लेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्क्रब का भी काम करता है, एक ये अच्छा ग्लो देता है। मैंने ये ज़्यादा वक्त के लिए रखा नहीं, ना ज़्यादा रगड़ा, फिर भी मुझे अच्छा इफ़ेक्ट पता चल रहा है, फील हो रहा है कि नहीं, ये कुछ अच्छी चीज़ मैंने स्किन को लगाई थी और मुझे उसकी सॉफ्टनेस स्किन को फील हो रही है। तो बहुत अच्छा मास्क है ये, आप 5 बार लगाओ, 5 दिन, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई स्किन के लिए, ये शार्प वर्क करता है। तो अब सेकंड है सब्जा सीड्स, ये भी मैंने ज़्यादा था तो मैंने दूसरे बॉटल में ऐड कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी रॉ मिल्क। ये सब्जा सीड किसी पानी या मिल्क में जाने से फूल जाता, मगर इसको अगर 20-25 मिनट हम रखते हैं तो ये तभी फूलता है, इंस्टेंट ये नहीं फूलता। तो जितना हम लेंगे सब्जा सीड्स, उससे डबल की मात्रा में लूँगी मैं रॉ मिल्क, और 20-25 मिनट बाद इसको मास्क की तरह लगाऊंगी। इसके फूलने के बाद ये जब एक्टिव हो जाता है, कोई भी चीज़ मास्क वगैरह आप पहले बना लो, फिर 5 से 10 मिनट उसको एक्टिव होने दो। जब वो अपनी प्रॉपर्टी रिड्यूस करते हैं, तब इनको इनको एक्टिव रहते ही हम अप्लाई करें तो हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलते हैं। किसी को अगर ये टाइट हो जाए 20-25 मिनट बाद, ये वाला मास्क तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकता है अगर मिल्क कम पड़ जाए, पर ये अभी 20-25 मिनट में ऐसे ही रहने देती हूँ, फिर ये फूल जाएगा। तो देखो ये फूल गया था, अब मैंने हाथों पर ये मास्क की तरह लगा लिया। ये फास्ट हमको इंस्टेंट और फास्ट रिजल्ट देता है, बहुत फ्रेश। देखो मैंने धो करके बताया, ये 20-25 मिनट रखो आप अपने स्किन पर, बहुत अच्छा आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। ये इंस्टेंट वर्क करता है, अगर शाम को घर में पार्टी हो, कहीं पर भी कुछ फंक्शन हो, तो हम उससे 2-4 घंटे पहले इसको एज ए फेस पैक लगा ले और बाद में उतार ले, तो आपको बहुत अच्छे इसके तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी की तरह काम करता है, फास्ट रिजल्ट देता है। तो मेरा मेरा कैसा लगा आपको वीडियो बताओ, और ज़रूर इसके बेनिफिट्स गूगल में पढ़ो और आप भी ट्राई करो। तो ये मास्क, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।